दीदी दोस्तों, अगर आपको हॉरर फिल्में देखने का शौक है तो आपने 80 के दशक में आई हॉरर फिल्म तो जरूर देखी होगी, जिसका नाम था वीराना, जिसकी हीरोइन जैस्मीन अपने बोल्ड अवतार के लिए बहुत फेमस हुई थी। इस फिल्म ने दर्शकों को उस समय में खूब डराया भी था। ये हॉरर फिल्म रामसे ब्रदर्स ने बनाई थी और 80 के दशक में इन फिल्मों का बहुत बोलबाला हुआ करता था। उस टाइम पर रिलीज हुई हॉरर जॉनर की सारी फिल्में बहुत कम बजट की होती थीं, लेकिन सुपर डुपर हिट साबित होती थीं। और बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की शुरुआत भी रामसे ब्रदर्स ने ही की थी। रामसे ब्रदर्स ही बॉलीवुड में हॉरर मूवीज का ट्रेंड स्टार्ट करने वाले बने थे। रामसे ब्रदर्स टोटल 7 भाई थे, जो मिलकर पूरी फिल्मों को डायरेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे और सारा काम खुद ही संभालते थे, और बहुत ही कम बजट में बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करते थे। रामसे ब्रदर्स ने जो वीराना फिल्म बनाई थी उसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, फिर चाहे वो उसके डरावने सीन्स की वजह से हो या फिर उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन के बोल्ड अवतार की वजह से हो। खबरें तो ये हैं कि उस समय में लोग ये फिल्म सिर्फ जैस्मीन के बोल्ड अवतार को देखने के लिए ही देखने जाया करते थे, लेकिन उस समय में इस फिल्म ने लोगों को डराया भी बहुत था। पर अगर आज आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से आज हॉरर फिल्मों का स्टाइल बहुत ज्यादा बदल गया है। दोस्तों, क्या आपको ये फिल्म पसंद आई थी? अगर आपको ये फिल्म पसंद आई थी तो आज हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं। रामसे ब्रदर्स इस फिल्म का रीमेक बनाने का सोच रहे हैं और फिर से आपको वीराना जैसी ही फिल्म की एक धाकड़ कहानी के साथ डराने के लिए आने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं पुरानी वीराना फिल्म की, जिसमें काम करके इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर हो गई थी और उनकी खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। उनके दीवानों में दर्शकों से लेकर कुछ गैंगस्टर्स भी शामिल थे। खबरें ये थी कि फिल्म में लीड एक्ट्रेस जैस्मीन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि फिल्म हिट होने के बाद जैस्मीन को अंडरवर्ल्ड से बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे और उनको सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा था। इसी वजह से जैस्मीन ने इंडिया छोड़ दिया था और अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गई थी, और इस फिल्म के बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। इस फिल्म को पहले 1985 में रिलीज किया जाना था, लेकिन ये फिल्म 3 साल डिले हो गई थी। इसके पीछे रीजन ये था कि जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड को दिखाई गई तो सेंसर बोर्ड ने काफी सारे सीन्स को एडिट करने के लिए बोला, जिससे इस फिल्म को फिर से कंप्लीट करने में काफी समय लग गया था, और फिर ये फिल्म 1985 की बजाय 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से एक बहुत ही रोचक किस्सा जुड़ा है कि जब 1983 में श्याम राम से महाबलेश्वर से मुंबई आ रहे थे तो वो अपनी पुरानी मंदिर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई वापस आ रहे थे, तो सुनसान रास्ते में उन्होंने एक चुड़ैल जैसी औरत को घूमते हुए देखा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टकराते टकराते बच गई थी, और अपने इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ये फिल्म वीराना बनाने का सोचा, और उनको इसी घटना से वीराना फिल्म का आइडिया मिला था। दोस्तों, ये फिल्म आज दोबारा बनने जा रही है। रामसे ब्रदर्स ही इस फिल्म को बनाएंगे। खबरें हैं कि इस फिल्म को 3D में बनाया जाएगा और 3D में होने के साथ साथ इस फिल्म में बेहतरीन VFX भी दिखाए जाएंगे, जिससे ये फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में हॉरर फिल्म्स के जॉनर में तहलका मचा देगी। इस फिल्म की अभी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, लेकिन इसका प्लॉट तैयार हो गया है, लेकिन रामसे ब्रदर्स की तरफ से इस फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी लीक करने को मना किया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को इस फिल्म को लेकर एक सस्पेंस और सरप्राइज एलिमेंट बना रहे। वहीं इस फिल्म को श्याम रामसे की बेटी साशा डायरेक्ट करने वाली है। उनका कहना है कि वो इस फिल्म को 3D में बनाएंगी और वो इस फिल्म के हॉरर सीन से लोगों के दिलों में दहशत बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। वहीं इस फिल्म की कास्ट के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म में काम करने के लिए बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज से बात तो की जा रही है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि इस फिल्म में किसी नई एक्ट्रेस को भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीराना का सेकंड पार्ट बनता है तो आप इस फिल्म में कौन सी हीरोइन को चुड़ैल के रूप में देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।